सेलिब्रेशन 4.0। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज शनिवार है, आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है और इसीलिए ये दिन बेहद खास है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। तो आज रात 10:56 पर शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे और 4 नवम्बर सुबह 8:28 तक इसी राशि में वक्री रहेंगे। इसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। ज्योतिष के मुताबिक वक्री अवस्था में शनि सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, यानी शनि की ताकत 30 साल बाद इतनी बढ़ गई है कि इसके असर से ना तो कोई इंसान बच सकता है ना ही दुनिया का कोई कोना। और शनि की ये ताकत इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि शनि की चाल बदल गई है। पिछले साल चर्चा इस बात की थी कि शनि 30 साल के बाद अपनी राशि कुंभ में आ रहे हैं और अब आज रात एक और महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये महापरिवर्तन हुआ है शनि की चाल में। हमारे ज्योतिष में वक्री ग्रहों की बात कही गई है, यानी कि जब ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है, और ये ज्योतिष का बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आज इसी को समझने और समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, शनि की चाल उल्टी होना यानी कि शनि के वक्री होने पर चर्चा के लिए हमने सजाया है देश का सबसे बड़ा मंच और सबसे बड़े ज्योतिषों के साथ ये बड़ा पैनल सज चुका है। शनिवार है और शनि के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ है विख्यात ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वैदिक और टैरो ज्योतिष की विशेषज्ञ वैराखी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, डब्बू जी, जो मन और अनुभव की आंखों से ज्योतिषी के गृह रहस्यों को सुलझा भी देते हैं। और इस मंच पर हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विक्रमादित्य जी। दुनिया भर में भारतीय वैदिक ज्योतिष का डंका बजाने वाली शैली माहेश्वरी गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके साथ ही प्रकांड विद्वान शैलेश तिवारी जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज शनिवार अधिवेशन 4.0 में। तो चलिए बात शुरू करते हैं राजकुमार शास्त्री जी के साथ। राजकुमार शास्त्री जी, वक्री शनि, वो भी अपने घर में वक्री शनि, इसे आम लोग कैसे समझें, डर जाए या फिर ना डरे? शैली जी, देखिए, आपने ज्योतिष की ऐसी महिमा की बात की है और होना ही चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है ये वेदांग है। जो शास्त्र के 6 अंगों में, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष उसका जो है ये प्रमुख अंग है। और ऋषियों ने ज्योतिष की महिमा की बात करते हुए लिखा है कि अप्यर्णवश पुरुषः प्रतरन कदाचित आसादे अनिल वेग वसेन पारम। इसका अर्थ यह है कि समुद्र की लहरों में तैरता हुआ कोई व्यक्ति हवा के वेग को पाकर के हो सकता है समुद्र को पार कर जाए, लेकिन ज्योतिष इस विद्या को बिना साधना और बिना गुरु की कृपा के पूरी तरह किसी को समझ पाना अत्यंत कठिन है। हवा के वेग से समुद्र की लहरों को पार किया जा सकता है, लेकिन बिना गुरु और बिना भगवान ईश्वर की कृपा के ज्योतिष को समझ पाना यह अत्यंत कठिन है। आपने ग्रहों की बात की, ग्रहों की स्थिति यह है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह 27 नक्षत्रों में, 12 राशि और 9 ग्रहों में विभाजित है। अब 9 ग्रहों में ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां होती है, जिसको सूर्य सिद्धांत में और स्पष्ट ग्रहाधिकार में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि वक्रा अनुवक्रा कुटिला, वक्रान वक्रा कुटिला, मंदा मंद तरा समा, तथा शीघ्र तरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति। ये ग्रहों की 8 गतियां हैं और 8 गतियों में मार्गी और वक्री जी। यह 2 गतियां विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें 5 गतियों को मिलाकर के एक मार्गी गति बनती है, वक्रा अनुवक्रा और कुटिला को मिलाकर के वक्री गति बनती है। अब वक्री का अर्थ ये होता है कि उल्टी चाल हो जाना,
वास्तव में मंगल से लेकर के सूर्य और चंद्रमा तो हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, नवग्रहों में चार पांच ग्रह जो बचे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, आज शनि वक्री हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पर कहीं ना कहीं हम चर्चा भी करेंगे कि क्या किसी के जीवन में मंगल होगा या मंगल होगा, क्योंकि जो महापरिवर्तन होने जा रहा है इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अब डब्बू जी आपका हम रुक कर लेते हैं। गणित भारी भरकम हो सकता है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में क्या अमंगल आ रहा है, कितने वक्त तक वक्री शनि का असर रहेगा? आम आदमियों के जीवन में सबसे पहली बात तो कि फोबिया किसी चीज का इंसान को बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर पहलू के दो रूप होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। कोई भी ग्रह, चाहे वो मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, किसी भी ग्रहों का एक अलग से जो परिणाम होता है, अच्छा या बुरा, आम आदमी के जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए जो शनि वक्री होने जा रहे हैं बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बुरा परिणाम लेके आ रहा है। एक वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, जिसको पैदा हुए कुछ सेकंड हुए हैं, एक वो जो इस दुनिया से जा रहा है जिसके जाने में कुछ सेकंड बचे हैं, तो राशि तो सभी के लिए एक ही। आज जो करंट जो टाइम है, अभी जो आप बैठे हैं स्टूडियो में, तो दुनिया में करीबन 700-800 करोड़ लोग हैं, सारे कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं अलग से जो क्रम चक्र, कहीं आतंकवाद, कहीं राजनीति, कहीं व्यापार, अलग अलग टाइप। तो एक राशि एक पे, एक अफेक्ट एक पे कभी लागू नहीं होता। एक वो जो लेबर रूम में संतान आ रही, एक वो जो शमशान घाट में जो जा रहा है, तो हर एक के जो परिणाम हैं अच्छे या बुरे, हाँ, दोनों के लिए सार्थक। हाँ, दोनों के लिए सार्थक है। और ये भी डब्बू जी, जैसा उन्होंने आपको बताया कि सबके ऊपर एक सा ही प्रभाव रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिशा तो आपको ये शो देखकर मिली जाएगी कि आने वाला समय आपका कैसा है। डब्बू जी के बारे में आपको बता दूं, आंखों से भले नहीं देख सकते हैं लेकिन प्रकांड विद्वान ज्योतिष के हैं, मन की आंखों से आपकी कुंडली में क्या चल रहा है बड़ा बेहतर आपको बता देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आचार्य विक्रमादित्य आपके पास और वैराखी जी आपके पास मैं आऊंगी। वैराखी, सबसे पहले आपके पास, मनोविज्ञान आप समझती हैं, बड़े बखूबी से जानती हैं, अब ये जो शनि की चाल बदल रही है, बकरी हो गया, उल्टा अब चलेगा शनि, इमोशनल क्राइसिस भी आने जा रहा है क्या? देखिए, शनि की जब भी बात हो, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुकी हूँ, पहले तो डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आपके जैसे कर्म है, शनि आपको वैसा ही रिजल्ट देता है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा करेगा, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा करेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, आपके माता पिता के साथ संबंध कैसे हैं, आपकी पत्नी आपसे कितना खुश है, आप कर्म कितने अच्छे करते हैं। शनिवार का दिन है, अमावस लग चुकी है, आज भी अमावस है, कल भी अमावस है, तो कहीं ना कहीं शनि की ये उल्टी चाल कई किसी को राजा बनाएगी, किसी को रंक बनाएगी, कोई अर्श से फर्श और कोई फर्श से अर्श पर आएगा। टोटल डिपेंड ऑन योर कर्मास, जैसे आपने कर्म करे हैं रिजल्ट्स आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शनि जब वक्री होता है तो देश और विदेश में या मौसम के ऊपर या युद्ध की स्थितियां या कहीं ना कहीं इमोशनली इंसान रिलेशंस में, रिलेशंस टूटते हैं, उनसे दूर होता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शनि के वक्री होने पर, इंसान आलसी हो जाता है। सो डरने की जरूरत नहीं है, कर्म अच्छे करें और आज भी टाइम है, शनि मंदिर जरूर जाएं। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो शनि देवता हैं वो आपके मन को कहीं ना कहीं विचलित करते हैं, लेकिन आपके कर्म के देवता हैं, यानी कि आपके कर्म में आपने जो काम किया है उसका लेखा जोखा रखते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आऊंगी, जो ये टेढ़ी चाल या उल्टी चाल अब शनि की होने वाली है, क्या ये दिखेगी या सिर्फ बदल जाएगा सब कुछ सभी राशियों? देखिए, सबसे पहले तो शास्त्र को समझें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शास्त्र कहता है कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में समस्त प्रकार की गतियाँ हमें प्राप्त होती हैं, और वर्तमान में हमारे को केवल एक ही अधिकार है, कर्म करने का। यदि हम कर्म सही करें तो अनेक प्रकार की समस्याएं अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रहगण ज्योतिष की गणना को समझने के बाद कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको यही कहते हैं कि उपाय कर ले। अगर सब कुछ निर्धारित होता तो शायद उपाय करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सदकर्म करने के उपरांत आप बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए शनि को दंडाधिकारी का पद प्राप्त है, और शनि को कहा जाता है नित्यम योग रचाए रताय च, कि नित्यम योगरत रहने वाला ग्रह है, इसलिए अपने जीवन को शुभ करने के लिए हमें समझना चाहिए। वक्री शनि, ये बात समझनी चाहिए। बहुत सारे
मत मतांतर उत्पन्न हो जाते हैं, अगर समझें कि कोई ग्रह की चाल कभी उल्टी नहीं हो सकती, किसी भी ग्रह की चाल ऑर्बिट में कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि गाड़ी को बैक गियर लगा देंगे और गाड़ी बैक चलने चली जाएगी, शनि महाराज अभी यहाँ चल रहे थे ऑर्बिट में और ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे। इसको हमें केवल गणित को समझाने के लिए, अपनी गणनाओं को समझने के लिए मैंने कई बार इस बात को रखा है, पिछली बार भी आपका जब अधिवेशन हुआ था इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। कुछ लोग इस बात को हमारे ऊपर हास्य प्रयास कर सकते हैं कि कोई ग्रह की गति तो एस्ट्रोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टी होती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमने एक बात को समझा कि जैसे हम हमें कहा जाता है कि हम सूर्य को गति प्रदान करते हैं, सूर्य चलता है, तो वहाँ पर सूर्य की जो गति है ज्योतिष गणना के अनुसार से, वो पृथ्वी की गति को सूर्य में परिवर्तित किया गया है कि एक चीज़ को सटल मानकर बाकी को कहा गया है कि हमने अगर हम अपने आप को गतिमान मान लेते तो हम समस्त गणनाओं को कर ही नहीं पाते। तो सूर्य को हमने गति दी और अपनी पृथ्वी की गति सूर्य को प्रदान करी, उस गति से हमने कैलकुलेट किया कि जब वो ऑर्बिट में, जो ग्रह ऑर्बिट में दूर चला जाता है तो वो प्रतीत होता है कि उसकी स्पीड खत्म हो गई है। तो ये गति जो है वास्तविक तौर पे, इसको शालिनी एक सेकंड में समझना परम आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा कि लोग कहेंगे कि नहीं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है और एक एक जो गणनाएं हैं वो शास्त्र में प्रमाणित है। तो शनि वास्तविक तौर पे आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, शनि से कतई घबराने की जरूरत नहीं है, स्वग्रही है, वक्री होकर और सशक्ति बन जाएगा, लेकिन आगे ग्रहों का गोचर जो आने वाला है वो भयावह है, मंगल शनि का युति होने वाली है वो भयावह। जी आचार्य विक्रमादित्य जी, उसके ऊपर अभी आगे हम चर्चा करेंगे अभी, और बहुत आसानी से आपने समझाया कि ये वक्री शनि या वक्र चाल किसी भी ग्रह की आखिर होती क्या है। तमाम दर्शक हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए स्टूडियो में और सबने कुंडली अपनी अपनी खोल रखी है, हर कोई जानना चाहता है उसकी राशि का फल क्या रहने वाला है। दर्शकों के सवाल हम अभी आगे लेंगे और व्यूवर्स के भी मुझे लगता है वही सवाल होगा, लेकिन उसके पहले सीधा सवाल ये कि क्या सर्वशक्तिमान शनि के नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति पाने का कोई रामबाण उपाय भी है क्या, जिसे करने से हमारे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं या जो दर्शक हैं वो अपनी तमाम बाधाओं से मुक्ति पा सके। शैलेश जी, नीलांजन समावासी रविपुत्र विमाग्रजम छाया मातृदशभूतम तम नमामि श्रेष्ठरम। शनिदेव को ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। आज शश योग शुरू हो रहा है, शश योग वह योग होता है लग्न केंद्र और चंद्र राशि से जब शनि 1, 4, 7 और 10वें में हो तो शश योग बनता है। अब शनि की आज वक्र दृष्टि चालू हो रही है 10:56 रात्रि से, जो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएगी शनि। शनि के मार्गी होने से विशेष परिवर्तन दुनिया में आएगा। अब शनि देव जब आपके जीवन में वक्री हुए हैं तो क्या क्या परेशानियां देते हैं और इनका समाधान क्या है, शनि देव को शांत करने के लिए या शनि देव का दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, हनुमान जी का विशेष रूप से पूजन करना। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एकमुखी हनुमत कवच और पंचमुखी हनुमत कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो शनि देव के जो बिल्कुल और ये बहुत दुष्परिणाम है उससे आप प्रकोप से बच सकते हैं। और मुझे लगता हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट हर रोज इस शनि मंत्र के महामंत्र के जप से और शम शनिश्चराय इस महामंत्र के जप से निश्चित तौर पर शनि देव के जो कुप्रभाव है दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिलेगी। तो शनि के कुप्रभाव से मुक्ति का मंत्र तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या वाकई शनि बाधा लेकर ही आया है जीवन में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि सब अच्छा लेकर के आया हो तो फिर उसके लिए कोई दूसरा उपाय हो। शैली जी आपके पास अब मैं आ रही हूँ, मेष राशि के साथ शुरुआत कर ही लेते हैं, कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए ये वक्र शनि का प्रभाव, अच्छा बुरा? देखिए मेष राशि के लिए जो ये शनि का प्रभाव है वो अच्छा ही है और इससे आप ये सोच सकते हैं कि इनके लिए जो जो राजयोग है, एक जो धन राजयोग है और एक जो शश राजयोग है, जैसे इन्होंने बोला शैलेश जी ने शश राजयोग शुरू हो गया है, तो वो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, स्पेशली जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। और पर एक ये है कि इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अपने विदिन जाना, मीनिंग लाइक यू नो मेडिटेशन करना और एक स्पिरिचुअल वे से, एक धार्मिक वे से बंधना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे धार्मिक कार्यों में मेष राशियों वालों को बहुत ही रुचि होगी और अगर दान पुण्य करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यात्रा से बहुत लाभ मिलने वाला है,
अगर जैसे विदेश यात्रा आप कोई आपका बिजनेस जुड़ा है विदेश यात्रा से, सो उसे काफ़ी विदेशों से आपको लाभ मिलने वाला है, और स्पेशली अगर जैसे सिटीजनशिप है, आपने सिटीजनशिप के लिए दे रखा है, तो वो प्रयास भी आपके काफ़ी सफल रहने वाले हैं। तो सफल भी